जय हिंद एवरीवन, आई एम ज्योति चौरसिया, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हेल्पफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रे वाइट पैचेस ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड पर वाइट ग्रे पैचेज आ जाते हैं जिन्हें हम फंजाई कहते हैं। फंजाई इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे कैन फाउंड इन वाटर, दे कैन फाउंड इन एयर, दे कैन फाउंड इन अवर बॉडी। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर, यानी कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी हुई है, तो हमें मल्टी सेलुलर कहते हैं। वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, मीन्स दे लिव इन ग्रुप्स, यानी कि वो अकेले इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। बैक्टीरिया कैन बी स्फेरिकल, कैन बी रॉड शेप्ड, कैन बी स्पायरल शेप्ड। वी कैन से दैट बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, यानी बैक्टीरिया की अलग अलग शेप हो सकती है। नाउ लेट अस नो अबाउट द हेल्पफुल बैक्टीरिया। हेल्पफुल बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया हमें हार्म ना करती हो, हमें नुकसान ना पहुंचाती हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसके बारे में हम जानते हैं। इन ह्यूमंस बैक्टीरिया नोन एज ई कोलाई, यानी ई कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया होती है ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। ये क्या करती है, बहुत सारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑल्सो इसेंशियल इन डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सच बैक्टीरिया आर नोन एज डिकम्पोजर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड और डीके मटेरियल को डिकम्पोज करने में, यानी कि उसको ख़त्म करने में भी हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डेड मटेरियल पर अटैक करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, मेनी फूड आइटम्स लाइक जब हम दूध से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है दूध से दही के जमने में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फंजाई। फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट डिफर फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल दोनों से अलग होते हैं। कुछ फंजाई तो दिखने में प्लांट जैसे होते हैं बट दे आर नॉट प्लांट। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, दे कैन नॉट कुक देयर ओन फूड। फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई आर ईस्ट, मशरूम, मोल्ड एक्सेट्रा। माइक्रोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई, यानी कि जो साइंटिस्ट फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको माइक्रोलॉजिस्ट कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग मिलियन ऑफ स्पीसीज फंजाई के हैं बट सिर्फ 5% ही उनमें से आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक। फंजाई आर फाउंड इन मॉइस्ट रीजन लाइक टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। दे आर नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन ड्राई एरियाज, यानी कि वो जहाँ पे मॉइस्ट हो, जहाँ पे नमी हो, उस एरिया में पाए जाते हैं ज़्यादा। सूखे एरिया में फंजाई नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूजेज ऑफ फंजाई। फूड, फंजाई हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू आउट मच ऑफ हिस्ट्री। अ वैरायटी ऑफ मशरूम इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग सच एज पोर्टबेला, ऑयस्टर, शिटेक एंड ट्रफल्स। दे एड यूनिक फ्लेवर एंड टेक्स्चर टू मेनी डिशेज, यानी बहुत सारी टाइप की मशरूम को हम खाते हैं उसे कुक करके। दे आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। फूड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फूड को बनाने, बहुत सारे टाइप के फूड को प्रिपेयर करने में भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ईस्ट,
ईस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. ईस्ट आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बियर एंड आर यूज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में और बहुत सारे टाइप के बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है. एंटीबायोटिक्स, फंजाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स सच एज अ पेनिसिलिन एंड साइक्लोस्पोरिन. दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कॉम्बैट फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज. इन एंटीबायोटिक का यूज़ हम बैक्टीरिया या फंगल्स रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए यूज़ करते हैं. फंगल डिजीजेज इन ह्यूमन, सर्टेन फंजाई कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन्स. सारे फंजाई जो यूज़फुल नहीं होते, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग में कुछ बीमारियाँ कॉज करते हैं. कुछ तो बहुत माइल्ड होती हैं बट अदर आर सीरियस, जस्ट लाइक एथलीट फूट एंड रिंग वॉर्म आर द सम फंगल डिजीजेज. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एल्गी. एल्गी तो आप सब ने जरूर देखा होगा, जब भी हम कभी किसी रिवर या पॉन्ड के पास जाते हैं तो वहाँ की सीढ़ियों पे आप देखे होंगे ग्रीन कलर की लेयर होती है, वही क्या होती है, एल्गी होती है. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली अक्वाटिक बोथ फ्रेश एंड मराइन ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो एल्गी होती है इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर की होती है तो यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ऑटोट्रॉफिक होती है, अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस. और अक्वाटिक होते हैं, जैसे कि ये फ्रेश और सलाइन दोनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एक्सेट्रा. So this is a part one of the chapter microorganism. In part two, I will teach you about another two microorganism, virus and protozoa. Thank you.